तो आप मुझे लग रहा था घंटी बजेगी और वो बजी नहीं। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। हेलो दो अलग अलग हेलो। अब मेरा बज गया। मैं क्या सी नु बंद। हेलो नहीं नहीं उठ। तो ये बुक्स सर मैं आया था रूम में तो मैं देख रहा था इतनी बुक्स हैं, ये आपको कभी को पढ़ने का टाइम मिला है ने? नहीं, जैसे किताब आती है ना इंडेक्स में से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। Then as per the specialty or the field in which we are working, जी हम उसके मुताबिक फिर उस अथॉरिटीज को उससे रिलेटेड होती हैं उनमें गो थ्रू हो जाते हैं, एक रजिस्टर्स लगाए हुए हैं उनमें नोट कर लेते हैं, उनके अलग से हेडिंग्स बनाए होते हैं, इंडेक्स बनाया होता है, फिर जब कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो इंडेक्स से उस किताब को ढूंढ के फिर उसके रेफरेंस बुक निकाल लेते हैं। बेसिकली दीज आर द रेफरेंस बुक। तो इंडेक्स आपके दिमाग में बना हुआ है? नहीं, इंडेक्स आपने अलग ही शीट बनाई हुई है। रजिस्टर में ही बनता है, इतना तो कोई आदमी दिमाग में कभी कुछ रख ही नहीं सकता। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. Hello everyone, आप सबका स्वागत है RFE Unplugged के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड में। मैं हूँ ओजस्वी शर्मा और आज मेरे साथ हैं जतिन सालवान सर, जो कि चंडीगढ़ के एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। और मेरे लिए जतिन सर एडवोकेट तो है ही है यार, मेरा कभी कोई केस से कोई नाता नहीं है, पर सर बहुत ही उमदा पोएट्री लिखते हैं और मैं जब भी घर मिलने आता हूँ सर से हर बार दो तीन नई पोएट्री सुनाते हैं। बातें करते 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 कहते हैं यार ओजस्वी मुझे एक शेर याद आया, मुझे इस बात पे दो लाइनें याद आई हैं, वो सर सुना देते हैं। सर मतलब यहाँ लोगों के केस लड़ते लड़ते ये आप पोएट्री में कैसे आपका आना हुआ, रुझान कैसे हुआ? नहीं ओजस्वी जी, मैं इस प्रोफेशन में आने से बहुत देर पहले ही पोएट्री लिखता था। मैं कई बार अपनी पुरानी डायरीज देखता हूँ तो मैं जब 17-18 साल का था जी, तब के भी कुछ शेर हैं, चाहे उन शेरों में वजन उतना नहीं होता जितना मैच्योरिटी के साथ वजन आ जाता है, मगर वो एक ये तो दिखाते हैं भी मेरा तब भी पोएट्री से इंटरेस्ट था, मेरा शेर व शायरी को सुनना, शेर व शायरी लिखनी। मैं जैसे एक छोटा सा आपको शेर सुनाता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक का बहुत शौकीन था। थे नहीं आप हो, आप अभी भी जाते हो? अभी जाता हूँ हाँ। मगर मैं कभी किसी के साथ नहीं जाता था, अब मैं ऑफकोर्स अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ। और जो पतझड़ होती है इधर चंडीगढ़ पीजीआई के साथ जो सड़क है उस पर पॉपुलर ट्री लगे हुए हैं, उनके पत्ते गिरे होने और उन पत्तों के ऊपर से निकल के जाना, जो उन पत्तों की आवाज़ होती है वो आवाज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरे को हमेशा अकेले जाने में था, तो मैं जो दो महीने होते हैं, एक महीना होता है पंजाबी में चेतर का, एक होता है कत्तर का, उन दिनों में ओस बहुत पड़ती है। चेतर और इकहत्तर का बताओ ये क्या होते हैं? चेतर जो होता है वो बेसिकली स्प्रिंग सीजन होता है मार्च के फरवरी मिडल से मार्च के मिडल तक, और जो कत्तक होता है नवंबर में होता है। ऑटम ऑटम नहीं होता, ऑटम से थोड़ा पहले ही होता है जी। तो उन दिनों ओस बहुत पड़ती है। तो आपने देखा होगा अभी कभी आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाओ तो घास पे देखो तो जो आपसे पहले सैर करके गुजर गया होता है उसके पाँव के निशान होते हैं, तो दूर तक वो निशान दिखते हैं। तो मैं उन निशानों को देख के एक छोटा सा शेर लिखा था जी, कि त्रेले काते, त्रेल पंजाबी में उसको कहते हैं, त्रेले काते इंज ने पैरां दे निशान, त्रेले काते इंज ने पैरां दे निशान, हंजुआ तो जीवें तेरी याद निकल गई, हंजुआ तो जीवें तेरी याद निकल गई। ये तब की है जब मैं कोई 17-18 साल का हूँगा जी, ये शेर तब का है।
तब आपने कैसे सर इस बात से रिलेट किया कि आपने ओस पे जो पैरों के निशान हैं और हंजुओं मतलब आंसू जिसको हम कहते हैं जब वो गिरती है घास पे या जमीन पे गिरती है, कैसे आपके मन में आया कि ये दोनों चीजें रिलेट हो सकती हैं? ये तो एक पोएट का इमेजिनेशन होता है, उसको कैसे देखता है। मैं होता है, मैं भी निकल जाता जैसे बाकी के लोग भी निकल गए थे, मेरे भी निशान पैरों के पड़ जाते। कोई मेरे से पीछे आने वाला शायद उन निशानों को देख के सोचता, क्योंकि मेरे से पहले लोग निकल गए थे, मेरे को वो निशान जो थे जी वो मेरे दिल को लगे और लगा अभी दूर तक ये निशान जा रहे हैं, और वो ओस मेरे को जो थी वो मेरे आंसुओं की तरह लगी। सो आपका जो ये सवाल था जी कि मैं इस प्रोफेशन के साथ शायरी में कैसे गया, बल्कि मेरा जवाब ये होगा भी मैं शायरी के साथ इस प्रोफेशन में जिंदा हूँ। राइट, क्योंकि 17 साल में आपने शायरी शुरू कर दी थी, मतलब लिखना या सोचना हो सकती है, मुझे मेरे को याद 17-18 साल के जी उम्र के जी जी। मैं वैसे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों से जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो ये कि 2021 में, मतलब अगर हम इस साल को कहें कि जिस साल में प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल फोन मतलब इतनी ज़रूरी चीज़ बन चुकी है कि एक एक दो दो, पर जतिन सर के पास बिल्कुल भी मोबाइल फोन नहीं है। सर ये चॉइस कैसे आपने मेंटेन की, मतलब कि मोबाइल फोन के बगैर एक कम्युनिकेशन आप मेंटेन कर सकते हो लोगों के साथ? मोबाइल जब नहीं था तब भी लोग करते थे जी। आपने तो मोबाइल की बात की, मैंने जिंदगी में कभी रिस्ट वॉच नहीं पहना, मगर मैं आज तक मुझे कोई इंस्टांस याद नहीं जहां मैं 2 मिनट लेट हुआ हूं। मैं टाइम का पक्का हूं, पाबंद हूं, जिसको टाइम देता हूं 2 मिनट पहले पहुंचता हूं, जिसको जिससे मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स है अपॉइंटमेंट में मैं अवेलेबल होऊंगा। और जहां तक मोबाइल है, मैं नहीं चाहता था कि मेरे जो मेरा तसव्वुर है, मेरा इमेजिनेशन है, मेरा थॉट प्रोसेस है, उसमें बेवजह दखल अंदाजी हो। सो मैं एक साधारण सी ज़िंदगी में जीने में विश्वास करता था, तो मेरे को जो इंटरफेरेंस इन माय थॉट प्रोसेस थी वो कभी भी अच्छी नहीं लगी। सो मैंने इसलिए ये फैसला लिया भी मैं मोबाइल से अपने आप को बांधूंगा नहीं, बल्कि मैं अपनी आज़ादी से ज़िंदा रहूँगा। ये एक पर्सपेक्टिव है हाउ टू लीड लाइफ, दैट यू डोंट वॉन्ट पीपल टू कॉल यू अप एंड इंटरफेयर इन योर थॉट प्रोसेस। मेरे लिए करना तो सर बहुत मुश्किल है, मतलब शायद क्योंकि शायद हम उस इरा नहीं, आप अपने आप को मोबाइल से बांध चुके हो, अब आपके लिए उस हथकड़ी को उतारना बड़ा मुश्किल है। एक बार बंद गया तो बंद गया। तो जैसे घर में बाकी सब जने मोबाइल सभी के पास दो दो हैं, मगर मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया। आपने हर शायरी लिखी हुई है रिकॉर्ड में, आपके कितनी हो गई होंगी अब तक अंदाजे में या एग्जैक्ट काउंट है आपका? मैं पहले तो नंबरिंग करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबरिंग निकल गई, तो मैं सोचता हूँ 800-900 से ज्यादा होंगी गजल्स मेरी जो मैं है, 7-8 डायरीज मेरी भर चुकी हैं। तो बाकी मेरे को चलते फिरते जब भी कभी कोई याद आता है, कोई कागज जो भी मिलता है, अखबार मिल गया उसके ऊपर, जो मेरे को आसपास से पेंसिल मिलता है, पेन मिलता है, उससे मैं उस पर नोट कर लेता हूँ, तो फिर वो थॉट आता रहता है, वो गजल बनती रहती है। कभी आया सर कि सेम थॉट दोबारा आए हो बट अलग ढंग से आए हो? आ जाता है, उसमें अगर दूसरी बार सेम थॉट आता है तो मेरा जो तजर्बा है उससे ये है भी वो अगली बार थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्शन में आता है, क्योंकि पहले एक थॉट चल रहा होता है जी, दूसरी बार जो आता है जहाँ उसके वर्ड्स अच्छे होंगे, जहाँ उसका प्रोसेस अच्छा होगा, उसका राइम अच्छी होगी, तो इसलिए। और मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, फॉलो का मतलब कि कॉपी नहीं की। बाकी मैं शुरू से ही अच्छे पोएट्स को पढ़ता था, क्योंकि मैं अमृतसर का रहने वाला था, पैदा हुआ था। मेरे लिए जो पंजाबी पोएट जनाब शेख कुमार बटालवी, वो मेरे लिए खुदा थे, मेरी पंजाबी ज़ुबान के खुदा। और मैं जब पंजाबी ज़ुबान को पढ़ता हूँ तो मेरे को पोइट्री जहाँ तक ताल्लुक़ रखती है, मेरे को शिव बटालवी और वारिस शाह के इनके बीच में बड़ा एक भारी वैक्यूम सा नज़र आता है। जो वारिस शाह ने लिखा वो आज भी
एक पत्थर पे लकीर है जो उसने लिखा, और जो शिव बटालवी ने जो वर्ड इस्तेमाल किए, जो उसने नेचर को एक्सप्लेन किया, जो फसलों को एक्सप्लेन किया, जो मौसमों को एक्सप्लेन किया, वो मेरे ख्याल से शायद ही कोई जिंदगी में दोबारा कोई ऐसा आदमी आएगा जो सब पोइट के बराबर की पोइट्री लिख पाएगा। सो मैं उससे, शिव बटालवी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी पोइट्री में कुछ उनके झलक नज़र आती है। सो मेरे भी इसलिए जो मेरी पोइट्री है, जैसे शिव बटालवी को बिरहा का सुल्तान कहते हैं, तो मेरी पोइट्री जो है वो इंतज़ार के ऊपर, उड़ीक के ऊपर ज़्यादा है। किसका इंतज़ार है ये मेरे को भी नहीं पता, मगर एक इंतज़ार मेरी ज़िंदगी में इतना है कि मेरे को इंतज़ार ही इंतज़ार है। किसका है ये मेरे को भी मालूम जी, मगर इंतज़ार है। ये होता है, ये एक क्वेस्ट है जो मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव लोगों में होती है। कभी एक बार आपको लाइफ में ना कुछ होने का इंतजार होता है, सब कुछ हो भी रहा होता है, सब कुछ हो रहा है, लाइफ चल रही है, लाइफ की एक एक चीज़ पूरी होती जा रही है, माइलस्टोन्स हैं, पर्सनल माइलस्टोन्स, प्रोफेशनल माइलस्टोन्स, इमोशनल माइलस्टोन्स, बट फिर भी इंतज़ार है कि मतलब शायद वो इंतज़ार ही वो प्रोग्रेस है, मतलब प्रोग्रेशन है आगे बढ़ने का, कुछ और है। इंतज़ार ही सारी शायरी का मुद्दा है। जैसे मेरी एक अभी एक आध महीना में किताब आ जाएगी फूड़ी, उसमें 60 गजल्स हैं जी, पंजाबी की पोइट्री है। तो उसके किताब के शुरू में ही एक शेर है पंजाबी का, इसमें लिखा मैंने कि जतिन नू लांबू लाणो पहलो, लांबू चेता को कहते हैं, और चेता इज चिता जो पायर होती है, जब बंदे को क्रमेट करते हैं जी, जो चिता जो ऊपर लकड़ियां रखते हैं उसको लांबू कहते हैं। जतिन नू लांबू लाणो पहलो, रता उसनू उड़ीक लवो। जतिन नू लांबू लाणो पहलो, रता उसनू उड़ीक लवो, मरण लगिया कहंदा सी आज इंतजार है। पता नहीं किसका इंतजार है था, ये तो नहीं पता, तो मगर इंतजार है। एक मेरी पोइट्री है, मैं पंजाबी के अलावा उर्दू में लिखता हूँ। सर फिर थोड़ी जी उर्दू या पंजाबी से गल हो, वो इंतजार उर्दू जो था उसमें एक मैंने गजल लिखी एतबार। जब आप किसी पे बहुत विश्वास करते हो तो आपको उस आदमी का इंतजार बहुत रहता है। वो कब आता है, कब मिलता है, ये आपके बस की बात नहीं होती। सो ये गजल थी एतबार, उसे मैं उसमें मैंने लिखा, एतबार था बहुत, एतबार था बहुत इंतजार रहा, एतबार था बहुत इंतजार रहा, मुंतजिर चल बसा। मुंतजिर कहते हैं जो इंतजार कर रहा होता है जी। एतबार था बहुत इंतजार रहा, मुंतजिर चल बसा इंतजार रहा। इंतजार करने वाला भी मर गया, मगर इंतजार फिर भी रहा। दीदाए उम्मीद राहों से रही लिपटी, दीदाए उम्मीद राहों से रही लिपटी, हसरते दीदारे यार दिल सोगवार रहा। जो लंबी गजल थी उसका आखिर का शेर था, जतिन जी उठो, उठो जतिन जी, जतिन जी उठो, वो बन के गरजमंद आया है। गरजमंद भी उसको आज आपकी जरूरत है। जतिन जी उठो, उठो जतिन जी, वो बन के गरजमंद आया है, तमाम उम्र जिसका तुम्हें इंतजार रहा है। जब आप चले गए वो आदमी आ गया, उसको आपकी जरूरत थी, मगर वो चला गया। मैं क्या कहूँ, ये एंडलेस वेट रहती है कई बार लाइफ में चीजों की। तो सर आपका क्या मानना है कि
इंतज़ार हमें, मतलब खैर इंतज़ार आपको भी है, इंतज़ार मुझे भी है, पर इंतज़ार कब तक करना चाहिए? मैं सोचता हूँ भी अगर इंतज़ार ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ये बात भी सही है ना कि अगर लाइफ में आप सब जो चाहो और वो सब कुछ ही एकदम मिल जाए तो फिर उसके बाद हम क्या चाहेंगे? फिर हम कुछ और चाहेंगे तो फिर तो लाइफ डस्टबिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डस्टबिन हो जाएगी, कूड़ादान हो जाएगी, क्योंकि उसकी तमन्ना कोई नहीं होती, उसमें तो जो डाल दो वही होता है, उसकी कोई तमन्ना नहीं होती डस्टबिन की। डस्टबिन क्या अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसमें तो जो डाली जाओगे वो बेचारा एक्सेप्ट करता जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती। जो इंतज़ार है आपका वो आए, लिपट कर रोए मुझसे, वो आए लिपट कर रोए मुझसे, मैं मिल ना सका, रो ना सका, शबिस्तानों में थी मुलाकात हुई। किसमें, कहाँ मुलाकात हुई? कब्रिस्तान में, शबिस्तानों में थी मुलाकात। वो आदमी मर चुका था, वो आए उसके गले लग के रोए, वो आदमी उसको उठ के देख नहीं सका क्योंकि मुलाकात ही इस वक्त हुई जब वो जा चुका था। इंतजार उसकी साथ ही चलेगी। सो ये है, मैं आपको एक, आपने इस इंतजार को मुद्दा छेड़ा तो ऐसे है भी क्यों इंतजार है। एक मैं आपको छोटी छोटी दोस्त सुनाता हूँ, जो एक तो 18-19 साल की एज की एक ब्लैंक वर्स पंजाबी की है जी, और एक फिर सुनाऊंगा जो मेरे 50 साल पूरे होने के बाद की होगी जी। वो जो 18 साल वाली थी उसमें मेरी ये एडोलेसेंस पोइट्री की नज़र आती है, जो उस उम्र में बंदा सोचता है। उसका टाइटल था सौ कसम, जिसे हम कहते जी हैं। तू सौ चुकी सी मेरी गजल सुनन दी, तू सौ चुकी सी मेरी गजल सुनन दी, जद मैं वादा कीता सी तेरे पिंड आन दा। तू सौ चुकी सी मेरी गजल सुनन दी, जद मैं वादा कीता सी तेरे पिंड आन दा, मैनू रीझ सी कि तेनू अपनियां गजलां सुना के दिल ते चढ़ी गमां दी गैर हटा के कुछ दिन होर सौखे जी जावांगा इस उमरे, कुछ दिन होर सौखे जी जावांगा इस उमरे, दुखां तो ओले सुखां दी छावें, पर इंज ए रीझ झड़ जावेगी तेरे दिल तो, पर इंज ए रीझ झड़ जावेगी तेरे दिल तो, पत झड़दे रुख तो किसे जर्द पत्ते वाकण, कदे भी नहीं सी सोच सकदा मैं कि मर जावेगी मेरी गजल मेरे ही दिल विच दब के, कदे भी नहीं सी सोच सकदा मैं कि मर जावेगी मेरी गजल मेरे ही दिल विच दब के, कई बार मेरे बोल मेरे बुल्लां तीकण आए, पर तेरी सौ नाल सीते बुल्लां वापस मोड़े, कई बार मेरे बोल मेरे बुल्लां तीकण आए, पर तेरी सौ नाल सीते बुल्लां वो वापस मोड़े, ते मैं चुब दियां सिसक दियां गजलां नू नरम दिल विच वलेट के, ते पुंजे डिगे हंजुआं विच अपनी कमलाई मूरत वेख के जतन करता खुद नू गजल सुनान दा, पर हर बार तेरी सौ दा चेता आ जांदा, पर हर बार तेरी सौ दा चेता आ जांदा, ते मैं तुर पैंदा तेरे पिंड दे कन्नी, क्योंकि मैं तुहानू दे पिंड सुनानी सी जी। हर बार तेरी उस सौ दा चेता आ जांदा, ते मैं तुर पैंदा तेरे पिंड दे कन्नी, जिथों पहलों भी कई बार मुड़ आया वा मैं, पर बगैर कदे तेनू गजल सुनाए, हर वापसी दे अफसोसे पेंडे ते
संगणे रुखां दी तितर मित्री छावें, मैं सोचता कि तू तो सौ चुकी सी मेरी गजल सुनन दी जद मैं वादा कीता सी तेरे पिंड आउण दा। सो ये मेरी तब की थी जब मैं 17-18 साल का था। तो जो आपकी कहा आपकी ये तो बहुत छोटी सी है, 6 लाइनें यहाँ से जी जी, वो ऐसे है भाई आपको बंदा खुशी भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता, रोने नहीं देता। तो ये है भाई, चुप रवा ते वाजा मारे, चुप रवा ते वाजा मारे, जे बोला ता बोले ना, चुप रहा ता वाजा मारे, जे बोला ते बोले ना, रोंदिया मैनू जर ना सके, रोंदिया मैनू जर ना सके, जे दिल फोला ता फोले ना, रोंदिया मैनू जर ना सके, जे दिल फोला ते फोले ना, छड़ कड़ूसा बंद कर बैंदा, प्रेम गली दे तिड़के बूहे, छड़ कड़ूसा बंद कर बैंदा, प्रेम गली दे तिड़के बूहे, चीतां विच्चों झातियां मारे, चीतां विच्चों झातियां मारे, प्रेम गली दी ताकी खोले ना, जे चुप रवा तां वाजा मारे, जे बोला तां बोले ना। ये कौन सी फॉर्म ऑफ पंजाबी हुई सर? इट्स अ गजल। इट्स अ गजल हाँ, बट ये आपने किस पंजाबी में बोली है? ये पंजाबी है नहीं, ठेठ पंजाबी, ठेठ मतलब मेरे माजा है, ये माजा की पंजाबी है हाँ। ये जो गुरदासपुर अमृतसर में बोली जाती है, क्योंकि मेरा बचपन मतलब पंजाबी में भी डायलेक्ट और रीजनल इन्फ्लुएंसेस रहते हैं। एक माजा की है, एक मालवा बेल्ट की अलग होती है, एक दुआबा की अलग होती है। तो ये माजा पर हर 50-100 किलोमीटर में लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आता आता है। तो मगर मैं समझता हूँ जो लाहौर लाहौर अमृतसर गुरदासपुर तरन तारण ये एरिया कपूरथला टू सम एक्सटेंट जी, इनकी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी अपनी तरह की है जी। शायरी जो है ये इट्सेल्फ जो हमने कि मैं तेरे पिंड आके तेनु सुनावांगा पर तू सौ चुकी सी, मतलब ये इट्सेल्फ एक पूरी स्टोरी है कि एक आदमी का इंतजार है, एक जा रहा है, एक वेट कर रहा है, मतलब उसमें इंतजार ये है भी मैंने वो जो कसम है जी जी जो कसम है भी उसने कसम खाई हुई है कि जब मैं उसके गांव जाऊंगा पिंड जावांगा उदे तो मैं वो मेरी गजल सुनेगी पर वो मैं कई बारी हो आया पर किसी ने गजल ही नहीं सुनी। कई बारी हो आया खुद नू मैं वो सुना नहीं सकता क्योंकि मैं उस सौ दे नाल बजया होया। इंतजार इहदे च भी हैगा, इहदे च इंतजार है क्योंकि मैं उसदी सौ नाल बजया होया भी मैं उन्हूं ही सुनानी है उहदे पिंड जाके। तो उसे रेफरेंस मैं तुहानू सुनाई भी मैं चुप रहां तां आवाजां मारे, जे मैं बोलदा नहीं है तो मैनू बुलाने की कोशिश की जाती है, जे मैं बोलदा तां अगला बोलदा नहीं है। मतलब ये ऐसी शायरी है इसमें ना आपको फेसेस नहीं मैं विजुलाइज कर पा रहा, मतलब कि इसमें किसे डालूं मैं उस सिचुएशन में और कौन डलेगा। माय गॉड, ये पहली वाली आपने लिखी जब आप 17 साल के थे, 17-18 साल के, और दूसरी लिखी जब 50-60 साल के, तो एक 32-33 एक ऑलमोस्ट 3 दशक का जो एवोल्यूशन रहा मतलब एज अ राइटर भी तो वो इसमें दिख रहा है, क्योंकि पहले आपके पास कहने को बहुत लेंथ थी, फिर आपने समेट लिया उसे कुछ शब्दों में। तो ये सर ये प्रभाव आपकी राइटिंग में भी आता रहा कि पहले आप एक्सप्रेस करने के लिए थोड़े ज़्यादा समय और वो लेते थे, या अभी भी आप थोड़ा अभी भी है? कई गज़लें जो होती हैं वो 5-5, 6-6 पेजेस की होती हैं। 5-6 पेज की लिखी है आपने अभी? कई गज़लें हैं जैसे इंतजार के ऊपर मैं एक छोटी सी है। ये देखो सर की बुक है मेरे सामने, ये मैं इसमें से आपको, और इसमें भी ये पूरे टैब्स हैं इसमें, ये देखो ये अगर अगर ये दिख रहे हैं तो ये रंग बिरंगे। सो ओजस्वी जी ये इंतजार है
लंघ चली ऊ रात, लंघ चली ऊ रात वे सजना, लंघ चली ऊ रात दीवे दा तेल मुक चलिया, दीवे दा तेल मुक चलिया तारे छड चले साथ वे सजना, तारे छड चले साथ लंघ चली ऊ रात, लंघ चली ऊ रात वे सजना, रात सारी गुजर रही है, द पर्सन इज नॉट कमिंग। रात हिजर दी ककर लूनी, चेत्यां दी लख तुखाई धूनी, पर जादा दे सेक मठे तो जिसम ना ताया जाए, कोई गीत ना गाया जाए। वाह। जिसम ना ताया जाए, कोई गीत ना गाया जाए, हिजर ककर ठंडा पिंडा, हिजर ककर ठंडा पिंडा, किस नाल करा मैं बात वे सजना, लंघ चली ऊ रात, लंघ चली ऊ रात वे सजना, लंघ चली ऊ रात, पर पर बुकां तसलियां पावां, पर पर बुकां तसलियां पावां, पर सिदकां दी गागर ऊनी, पर बुकां तसलियां पावां, पर सिदकां दी गागर ऊनी। ऊनी में पूरी ब्रिम तक नहीं भरी हुई, थोड़ी जी थले तक है। कुट कुट सा लवा मैं होके, पर सबर छलक ही जावे, मन विचलित हो जावे, सिदक न्याणा अकलों काणा, सिदक न्याणा अकलों काणा, किस नाल करा वे बात में सजना, लंघ चली ऊ रात वे सजना, लंघ चली ऊ रात, देन दलासे गुजर आई, मेरा पास्ट मेनू समझाने वास्ते है जी। देन दलासे गुजर आई, जादां दी पर चंगेर ले आई, वसलां दी मिठास कोलों भी कड़त्तन हिजर जरी ना जावे, दिल विचलित हो जावे, कोई गीत ना गाया जावे, चुभदियां जादां हिजर कसैला, किस नाल करा मैं बात वे सजना, लंघ चली ऊ रात वे सजना, लंघ चली ऊ रात, रात गए जे बोर्ड भी आयो, अगर सारी रात निकल गई तो आ भी गया, रात गए जे बोर्ड भी आयो, रुत बसलां दी मोड़ ले आयो, जेड़े सा हिजरा ने खा ले, इवन इफ आफ्टर सनराइज बंदा आंदा भी है जी, ओके, जेड़े मेरे सारी आइसोलेशन ने मेरे सारे सी खा ले हैं, उन्हों का हिसाब की होएगा। रात गए जे बोर्ड भी आयो, रुत वसलां दी मोड़ ले आयो, जेड़े सा हिजरा खा ले, ओ कित्थों मैं मोड़ लियावां, चाहना हाँ हिजरी मर जावां, चाहना हाँ हिजरी मर जावां, बुझिया दिल, बुझिया दिल हुन मुक गईयां रीजां, केड़े मूही करा मैं बात वे सजना, लंघ चली ओ रात वे सजना, लंघ चली ओ रात, हुन भावें मुड़ दे पैरी मुड़ जा, नाउ आई डोंट रिक्वायर, इफ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो, हुन भावें मुड़ दे पैरी मुड़ जा, जा कसैली गुजर नाल जुड़ जा, हुन क्यों कर जिसम तपावां, क्यों कीरनिया नू सद सोला बुलावां, चंगा होवे जे हिजरी मर जावां, हिजर कक्का हिजर कक्कर ठंडा पिंडा, केड़े मूही करा मैं बात वे सजना, लंघ चली ओ रात वे सजना, लंघ चली ओ रात। ये सर ने ना पूरी, मैंने थोड़ा सी रिकॉर्डिंग भी की है इसमें, पूरी पंजाबी में लिखी हुई पोएट्री, ये बिल्कुल जैसे हम लोग स्पॉइल्ड है ना रोमन इंग्लिश में लिखने में और हिंदी में लिख लेते हैं, या पंजाब रोमन पंजाबी कहते हैं उसको हम, इंग्लिश या पंजाबी इंग्लिश में लिखना, सर बिल्कुल पूरी इन्होंने पंजाबी गुरमुखी में लिखी हुई है। सर तो आप इसी में लिख रहे हो अपना सारा? नहीं, ये ख़त्म होगी,
अब नई डायरी चल रही है। नहीं नहीं हाँ ऐसी बहुत डायरीज हैं और बहुत डायरी हैं ऐसी 6-7 ये देखो कितनी बड़ी है ये और 6-7 हैं ऐसी। और सर जो सारी हम पोएट्री शायरी हम लोग जितनी भी शायरी डिस्कस कर रहे हैं ये सारी बुक्स मतलब बुक के फॉर्म में आने वाली हैं बहुत जल्द। और जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वील एंटर द लिंक्स कि आप जैसे ही ये बुक्स अवेलेबल होती हैं तो आप नीचे लिंक पे जाके यू कैन बाय देम एंड सपोर्ट जतिन सर्स वर्क है ना। बिल्कुल आई विल बी सो ग्रेटफुल। सर ये कहाँ की फोटो है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट है आपके रूम में लगा ये। ओजस्वी जी ये हमारे क्योंकि मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ जी तो ये हमारे हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसके साथ का जो आर्किटेक्चर कार्बोजियर का बनाया हुआ जो पिलर जी इसकी कलर मैचिंग और ये कुछ गुजर को भी दर्शाती है जी। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे अम्बेसडर खड़ी है जो आप जमाने से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ एस्टीम खड़ी है एस्टीम चीफ जस्टिस को मिलती थी उन दिनों में हाँ। और जो ये अम्बेसडर हैं ये जजेस के पास होते हैं राइट। सो अब तो उनके पास भी गाड़ियां जो आ गई हैं फॉर्च्यूनर वगैरह आ गई हैं। तो ये हमारे 50th ईयर ऑफ हाई कोर्ट एक सोबिनार छपा था जी उसमें एक दिल्ली के कोई बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे जिन्होंने ये फोटो खींच के उसमें डाली। मतलब इस फोटो का ना आपने कैरेक्टर है और आपने सर ये फोटो फिर कैसे इतने कलर दिल को छूते हैं जी जिसका सारा पूरा फोटो का मतलब मुझे याद है मैं पहली बार जब ऑफिस में आया था तो मैंने तब भी आपसे पूछा था कि सर व्हाई दिस फोटोग्राफ इन द रूम। मेरे को ये बहुत ही अच्छी फोटो लगती है। मुझे पहले लगा कि ये सर की कार है या बगल में किसी की कार है या कार की यादें हैं या ऑफिस की अपनी टाइम की कुछ यादें हैं बट नहीं कहते कि ये सुमिरन छपा था उसमें ये फोटोग्राफ थी और ये मुझे बहुत पसंद आई। इट्स अ रेयर कलेक्टेबल मतलब बहुत ही अच्छी फोटो। आपको सर और किन आर्ट फॉर्म्स का शौक है? मैं यशवी जी बेसिकली मेरे को नेचर से प्यार है बचपन से ही मेरे को नेचर से प्यार है। जब हम छोटे होते थे मैं 5वीं 6वीं तक अमृतसर में पढ़ा जी तब उसके बाद मेरे पिताजी एक सरकारी मुलाजम थे तो वो चंडीगढ़ आना पड़ा। तो अमृतसर में जो पुराने घर थे वो मुस्लिम लोकेलिटी थी जहां हम रहते थे तो घर के बाहर लिखा होता था नज़ीर बिल्डिंग। तो वो उसके एक जो टॉप पे छत होती है जिसको सीढ़ियों की छत होती सीढ़ियों के ऊपर उसको ममटी कहते हैं पंजाबी में। ओके तो ममटी के ऊपर एक मुसलमानों के टाइम का ही टूटा सा संदूक पड़ा होता था बड़ा टूटा सा क्रश किया हुआ। तो उसमें काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी कुछ मिट्टी लगा के हम भी तो मैं जब कोई 5-7 का होऊंगा तो मैं तब भी उस ममटी के ऊपर चढ़ के तो उस जो संदूक था उसमें मिट्टी थी उसमें पौधे लगाता था। अभी उन शहरों में मिट्टी की जगह नहीं होती कोई क्यारी नहीं होती कुछ नहीं होता तो मेरे को उस संदूक से उसमें तब मेरे को पौधों का नाम नहीं जानता तो अभी हाल ही में मैं जानता हूँ कि वो उसको पोटू लाका कहते हैं। तो पोटू लाका लाके उसको लगाने वो खिलते थे बड़ा सुकून देते थे। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो निकलने के लिए हमें उन दिनों कोई वैन्स या ट्रांसपोर्टेशन स्कूलों की नहीं होती थी तो हम पैदल जाते थे रंजीत बाग में से निकल के जाते थे। रंजीत बाग में फाउंटेन्स लगे होते थे बहुत ग्रीनरी थी फूल खिले होते थे तितलियाँ उड़ती थी वो पॉन्ड्स के अंदर मछलियाँ देखनी पॉन्ड्स की जो चल रहे फाउंटेन चल रहे होते थे बशार का छींटे पड़ने उसको एंजॉय करना। तो स्कूल के आज जाती बार तो इतना टाइम नहीं होता था आती बार हम सभी बच्चे 5-10 मिनट 15 मिनट उस पॉन्ड के किनारे जो
थे फाउंटेन्स, उनके किनारे खड़े रहते थे, मछलियों को देखते थे, कोई जो लंच टाइम की बची हुई थोड़ी बहुत ही रोटी होती थी वो डालते थे, तो अच्छा लगता था नेचर से। फिर मैं, कोई इतनी आउटिंग्स तो होती नहीं थी उन दिनों, तो छुट्टियां होती थी तो हम अपने नानके के गांव जाते थे नाना के पास, तो वहां पे भी वो इतनी ग्रीनरी थी उस घर में, और गांव में जाना, बिजली की गर्जन सुनना। ये कहाँ पे था नाना? अमृतसर में ही था। अमृतसर में। मेरे नाना जी के बारे में मैं बताऊं, वो पर्शियन टीचर थे और वो मोहम्मद रफ़ी उनसे पढ़ा हुआ था, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। वो अमृतसर से ही थे? जो मोहम्मद रफ़ी का था गांव शाह कोटला सुल्तान, वो मेरे जो नाना का गांव था उससे तकरीबन 3-4 किलोमीटर होता था। ओके। मगर स्कूल जो था वो मेरे जो नाना का गांव था श्याम नगर, उसमें ही स्कूल था, वो हाई स्कूल होता था, हाई स्कूल। बड़ा अच्छा गांव था उन दिनों भी, ये मैं आपको 62-63 की बातें बता रहा हूँ, उन दिनों भी उस गांव में बिजली होती थी। उन दिनों भी उस गांव में पक्की गलियां थी, उन दिनों भी गांव में अच्छे घर बने हुए थे, हाई स्कूल था, अच्छा गुरुद्वारा था बहुत बड़ा, और जंजगर था, और सब तरह की फैसिलिटीज थी। तो उस वहाँ जाके तो उस गांव में उस नेचर को एंजॉय करना, उसके बाहर जो छप्पड़ होते थे वो बरसातों में भरने, बरसात बहुत होती होती थी उन दिनों जून जुलाई में, स्कूलों में तभी छुट्टियाँ होती थी। तो मेरे को वहाँ से नेचर से इतना प्यार है कि आज भी मेरे को जब फुर्सत होती है तो मैं नर्सरी में चला जाता हूँ, नर्सरी की ग्रीनरी को एंजॉय करता हूँ, कुछ पौधे खरीदता हूँ। तो साल में मैं 400 गमले मैं गिफ्ट करता हूँ, और 400 पेड़ जो है वो मैं साल में लगाता हूँ। आज भी मैं 100 पेड़ यूनिवर्सिटी में लगा के आया। राइट। वो मैंने देखा है, जितनी भी ग्रीन ड्राइव्स या ग्रीन इनिशिएटिव्स रहते हैं सर, उनमें जरूर पार्ट लेते हैं। मेरे को नेचर से बहुत प्यार है। उसके अलावा मैं पेंटिंग करता था जी, बाकी मेरे को ज्यादा इधर उधर घूमने का कोई शौक नहीं। घर में रहने का शौक है, पढ़ने का शौक है, लिटरेचर को पढ़ता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ। रफी साहब जो थे उनका कोटला शाह सुल्तान जी, वो मेरे जो नाना का गांव था श्याम नगर, वो अमृतसर में कत्तू नंगल के पास पड़ता है मजीठा बेल्ट में, तो वो स्कूल सिर्फ वहीं होता था। हर गांव में तो आज भी स्कूल नहीं है, तो उनके पास पढ़ने आते थे, तो वो मोहम्मद रफ़ी भी ज़्यादा देर उन गांव में नहीं रहे, वो मेरे ख्याल से प्राइमरी तक की एजुकेशन वहाँ पे होगी। मगर आई स्टिल फील प्राउड दैट ही वॉज माई नाना स्टूडेंट। ये एक रेयर किस्सा है। आई एम सिटिंग विद जतिन सर, जिनके नाना जी हैज टॉट द लेजेंडरी इंडियन सिंगर मोहम्मद रफ़ी। तो आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं, जब बचपन तब हमें इतना ज्ञान ही नहीं था भाई मोहम्मद रफ़ी साहब कौन है। हाँ नहीं, तब तो वो ऑब्वियसली बच्चे थे। हाँ, तो सर आपने हम आज की जनरेशन के बारे में भी जैसे बात कर रहे थे कि मतलब आपने कहा मोबाइल पे बिजी है या वो, बट आज की जनरेशन को अगर कुछ लफ्ज़ों में बताना हो या कुछ करना। आज की जनरेशन जो है वो बेसिकली हमारे कल्चर से दूर निकल रही है। आज भी हम 70s, late 70s से लेके 90s तक के गाने सुने, जो फिल्म के गाने हैं वो आज भी अट्रैक्ट करते हैं, उनके एक एक वर्ड का मतलब है। जो आज आ रहे हैं गाने, पॉप म्यूजिक आ गया, रैप आ गया, क्या है उसमें क्या गाना है, वो तो एक बेसिकली एक कहानी सुना रहा है, जैसे आप सड़क पे बात कर रहे हो। रैप क्या है? रैप में कोई रिदम ही जुड़ी हुई है, तुकबंदी है, कोई उसमें लिटरेचर नहीं है। आप रैप को लिटरेचर नहीं कर सकते। मगर जो आप पिछले गाने देखो, शकील बदायनी के गाने देखो, शैलेंद्र के गाने देखो, हसरत के गाने देखो, साहिर लुधियानवी के गाने देखो, मजरू जी के गाने देखो, तो उनमें पोइट्री है, उनमें एक एक वर्ड का मतलब है,
उसमें सारी फिल्म की स्टोरी एक गाने में बंधी हुई है, तो उसको सारी को एक्सप्लेन करना, वो आज भी दिल को छूते हैं। आज का जो लड़का है या लड़की है, जो जवान है, अगर उसे कहीं ठेस लगती है इश्क मोहब्बत में, तो वो पुराने गानों की तरफ चला जाता है। हाँ, ये मैंने देखा है, ये पुराने गाने के चला जाएगा। अगर किसी को खत लिख रहा है, वो पुराने गानों की कोई लाइन लिख के, रैप की लाइन क्यों नहीं लिख के भेजता, अगर इतनी बात है। रैप की कोई लाइन नहीं लिखेगा, वो वही 80s के गाने, शकील की गजल में से कोई लाइनें लिखेगा, तो वो आज क्या रैप क्यों नहीं लिखता? इसका मतलब उसे पता है भी डिफरेंस क्या है कल्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में क्या डिफरेंस है, उन जनरेशंस का फ़र्क है। और दूसरा, हमारे जो नई जनरेशन आ रही है, इसमें रीडिंग हैबिट कम हो रही है। मोबाइल पे पढ़ना या करना, मैंने किसी की बुक्स कलेक्शन नहीं देखी, कोई लेते भी हैं तो मोबाइल, उस पर मोबाइल पे कोई चल रहा है, या टीवी भी देखेंगे तो टीवी आम तो देखते नहीं, नेटफ्लिक्स देखेंगे, लगा के देखेंगे, कोई स्पोर्ट्स में नहीं है। और आप देखोगे जो जितने भी इंडियन टीवी के ऊपर डांस के प्रोग्राम हैं, सिंगिंग के प्रोग्राम हैं, उनमें से अनफॉर्चुनेटली जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, दे आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि वो जो हम्बल बैकग्राउंड वाला है वो अभी भी जड़ों से जुड़ा हुआ है। जो हमारी अपर क्लास, सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है, उनके बच्चे क्यों नहीं आते डांस के कॉम्पिटिशन है टीवी पे, सिंगिंग क्या है, उनमें क्यों नहीं आते? हम्बल बैकग्राउंड से क्यों बच्चे आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं अभी, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आर्ट लिटरेचर में अफोर्ड ही नहीं करते, वो तो अपनी आराम में, ऐश परस्ती में चले जाते हैं। जो हम्बल बैकग्राउंड वाला, वो बेचारा धक्के धुक्के खा के पहुंचता है वहां तक। हम वो दूसरा फोन। हेलो, हाँ जी, 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 हाँ जी। आजकल कोटा बंद ने जी हाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई पता नहीं जी। हाँ जी, मैं गिन रहा था कितनी बार आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं देखो, मैं एडमिट करता हूँ सर कि मैंने आते ही सर को बोला कि मैं बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं ट्रैवल करता हूँ। मतलब अपना अपना एक इन्फॉर्मेशन लेने का एक तरीका है। मैं मिलता हूँ, मैं बहुत देर बातें करता हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ, और शायद सर मैं भी लिखता हूँ, तो मैं वो लिखता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, या काल्पनिक भी हो बट बहुत सारे अनुभव को जोड़ के एक कल्पना बनाना, बना सकता हूँ या बना लेता हूँ अभी तक जितना लिखा है। क्योंकि सर ने तो 900 शायरियाँ लिखी हैं, मैंने कुछ 30 ही फिल्में लिखी हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। तो अभी तो नहीं, नहीं, अभी तो सर 30 गुने का फासला है। नहीं नहीं सर, वो 30 गुने का फासला है अभी। आपकी, आपके पास शब्दों में गहराई बहुत है। मुझे इतने किरदार लिखने, अब एक ही कहानी में बहुत सारे किरदारों को लिखना, और सारे किरदार एक तरीके से ही शायराना अंदाज में नहीं बात कर सकते। कुछों का इमोशनल क्वोशेंट और इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट हाई है। जैसे एक सीन में प्रिंसिपल भी लिखना है, बच्चा भी लिखना है, टीचर भी लिखना है, और बच्चे के दोस्त भी लिखने हैं। अब सारे अलग अलग IQ लेवल पे और EQ लेवल पे बात कर रहे हैं। That is rather more difficult. अब सर मैं वो एक अनुभव लिखता हूँ। मैं मतलब मैं ऐसे नहीं इमेजिन कर सकता कि ऐसे हुआ होगा, या मेरी कल्पना नहीं लोगों को जीनी, मेरा अनुभव डिफरेंट है। इसमें सही गलत नहीं कह सकते, वो मेरा अनुभव है, मैं उसी को लिखता हूँ। और आपका भी अनुभव है सर, इंतज़ार, इतनी चीज़ों का इंतज़ार। 2021 में सर, अगर आज हमें अपना एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करना हो, तो क्या मन में कुछ शब्द आते हैं? ज़रूरी नहीं कोई पोएट्री है, पर कुछ शब्द की भाई क्या हालात हैं, कैसा है? हम आज 2021 में, आज 2018 से 19 से बेहतर हैं, किस दिशा में हम पढ़ रहे हैं सर?
नहीं, बेहतर तो कह नहीं सकते, ये 2020 और 2021 ये तो टाइम फॉर सर्वाइवल है, इसमें तो सर्वाइव करने का टाइम है, इसमें कुछ और प्रॉस्पेरिटी या दूसरी बातें सोचने वाला नहीं है। अब मेरा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन मार्च 2020 से कोर्स बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, कुछ जो है ऑनलाइन कोर्स काम करती हैं जी, मगर मैं तो टेक्नोलॉजी से उतना वाकिफ भी नहीं, मैंने तो मोबाइल नहीं रखा। हाँ, मेरे साथ जो लड़के हैं काम करते हैं, मेरा स्टाफ है, उनके पास है मोबाइल, मगर मैंने जो इन दिनों ज़्यादा केसेस आए भी नहीं, अगर आए भी हैं मोबाइल पे मैंने कोई केस नहीं किया, मैंने किसी को दे दिए तो करने के लिए, मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि मैंने, मैं अपने उस प्रिंसिपल से बाहर नहीं आ सका कि व्हाई शुड आई, मेरे को जो फिजिकल करने की आदत है, जो फिजिकल ही होना चाहिए, दूसरा वो कोर्ट्स में वो बात बन नहीं रही ऑनलाइन जो फिजिकल होती है। आप किसी जज साहब को जजमेंट पढ़ा रहे हो, वहाँ तो आपके पास फोटोकॉपी है, आप आगे फोटोकॉपी दे देते हो, जज साहब पढ़ लेते हैं, फैसला दे देते हैं। अब आप वहाँ पे ऑनलाइन बातें कर रहे हो, कोई जजमेंट दिखाते हो, वो कोर्ट को कितनी डिफिकल्टी है उधर आपकी, से जहाँ तो पहले वो जजमेंट ढूंढें, फिर निकालें, फिर वहाँ बातों बातों में बात उठ जाती है, बात उठने से कोई और जजमेंट की तरफ चली जाती है, तो कैसे कोर्ट उस बात को अप्रिशिएट कर पाएगी। कोर्ट्स अपनी जगह ठीक है, तो इसलिए ये समा तो सर्वाइवल का ही है। सर, एक शायरी मुझे लगता है हमें डिस्कस करनी चाहिए, अब किसी कोई भी हो, कोई भी एक, एक ऐसे है, मैं आपको एक छोटी सी बात है, मेरे पास एक लेक्चरर आई थी, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, वो कैसी एयर इंडिया से उन्होंने ट्रेवल किया जी, तो उनको रास्ते में ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं मिले जी, तो सर्दी लगी, कुछ हुआ उनको, कई गिले थे, कई शिकवे थे, तो एक वाइफ मेरी के क्लास फेलो थे मिस्टर हरबक सिंह, वो टाइम मैगजीन में काम करते थे, नाउ ही सेटल्ड इन कैनेडा, उन्होंने उनको मेरे पास भेजा था, तो मैं उनकी बात सुना, बड़ा उनके दुख को समझने की कोशिश की, जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो मेरे अंदर जो मेरा शायर था वो जाग रहा था, तो बात मेरे दिमाग से सुनते, मेरे कानों से वो उस शायर के दिल तक जा रही थी। मैंने उसे डिस्करेज किया, मैं, हमारी कोर्स इतनी सेंसिटिव नहीं है, मैं तेरे को कोई 10 लाख रुपया दे देगा या 2 लाख रुपया दे देगा, जो गुजर गया सो गुजर गया, एक एक्सपीरियंस इसे समझो, मगर उसे मेरे से ये लगा, अभी मैंने उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुना है और मैंने उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश की है, सो मैंने उन्हें अगले दिन फिर बुलाया डिस्कस करने के लिए नहीं, एक गजल सुनाने के लिए, जो गजल उन हालातों में थी। वो मैडम केस लेके आई थी, आपने कहा केस नहीं होगा, नहीं होगा, पर अगले दिन आपने दोबारा उन्हें हेरिंग पे बुलाया पर गजल सुनाई, गजल सुनाने के लिए। मैं क्योंकि उनकी बात सुन रहा था, दुखी हो रहा था, तसल्ली दे रहा था, तो वो काम हो नहीं रहा, तो वो गजल थी, वो कौन है, ओ कौन है जो तसल्लियां देंदे होए रुपया, ओ कौन है जो तसल्लियां देंदे होए रुपया, मेरे दिल दा सलाबा जीदे दीदियों चोपिया, सलाबा कहते मॉइस्चर, ओ कौन है जो तसल्लियां देंदे होए रुपया, मेरे दिल दा सलाबा
जिदे दीदियों चो प्यार, वो कौन है? और कौन है जो इश्क मेरे दी रमज पहचानता है? वो कौन है जो इश्क मेरे दी रमज पहचानता है? वो कौन है जो इश्क दे फट दी रड़क नू जानता है? वो कौन है? वो कौन है जिस मलम लौंदियां पोटे अपने लू लए, खड़े खलोते जिसते चेतियां वसल मेरे शू लए? वो कौन है? वो कौन है जिस अपनी पुन्या मेरी मस्या तो वारती? वो कौन है जिस अपनी पुन्या मेरी मस्या तो वारती? बिरहों वेड़ी रत्ता कु लो लई, जोबन रुत तक साड़ती। वो कौन है जिस पुन्या मेरी मस्या तो वारती? हिजरी वेड़ी रत्ता कु लो लई, जोबन रुत तक साड़ती। मैं ते मेरा हिजर दोवें रल के सां गल्लां कर रहे, बिरहों वेड़े उगियां पीड़ां दियां नस नस मल्लां मल रहे। जाद उसदी सोच मेरी, जाद उसदी सोच मेरी नूं आण कलावा मार दी। जाद उसदी सोच मेरी नूं आण कलावा मार दी। वा वरौले वाकन उड़दी, सोच अचन चेत ही ठाल दी। वो कौन है जो तसल्लियां देते हुए? ये मैं देख रहा था कि ये डायरी 1984 की है और ये आपने पोएट्री लिखी हुई है 2003 की लिखी हुई है, यानी कि 84 से ये डायरी रखी हुई आपने और एवरी डे एवरी ईयर आप लिख रहे हो। तो ये वो मैडम ने जब आके सर ये पोएट्री सुनी तो उन्होंने क्या कहा? शी वाज मूव्ड, मतलब शी फेल्ट सेटिस्फाइड कि उसकी जो कहानी थी सारी उसको मैंने किसी ना किसी ने तो सुना तो उसे ठीक सलाह दी, क्योंकि ये प्रोफेशन ये नहीं कहता भी जो भी आदमी आया आप उससे फीस लेने की बात करो जी, कई बार आपको फ्री भी करना पड़ता है और लीगल एडवाइस के साथ उसे फेयर लीगल एडवाइस के साथ कई बार मॉरल एडवाइस भी देनी होती है जी। जैसे कभी कोई मैट्रिमोनियल में आया तो मैंने उस मैट्रिमोनियल की प्रॉब्लम को कभी बखेड़ा डालने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश होती है भी जो एमिकेबली आपस में मिलजुल बैठ के कोई सोल्यूशन निकलता हो तो उसे निकाल लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे कोर्ट में कीचड़ फेंका जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ भाई जब तक उसका डिवोर्स नहीं होता, चाहे झगड़ा चल भी रहा होता है, उस दिन तक तो वो उसी परिवार की, लड़के वाले परिवार की ही बहू होती है, उनकी ही डॉटर इन लॉ होती है, उनकी ही डॉटर होती है। तो उसे जब तक डिवोर्स नहीं होता उस पर कीचड़ फेंकना जो है मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं होती। नहीं तो लोग पहले दिन से मुकदमेबाजी में आ जाते हैं, बहुत घटिया किस्म के एलिगेशन लगाते हैं, उसकी किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। बाद में देखा है कई बार सुलह सफाई हो जाती है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, साल दो साल मुकदमा चलता है, आपस में पैच अप हो जाता है। तो अब आपने उसके ऊपर तो एलिगेशन लगाए हुए हैं भी शी वाज इन एक्स्ट्रा मैरिटल, अब सुलह सफाई होगी तो आप उस दाग के साथ उसके साथ उस दाग उसके ऊपर और आप उसके साथ बाकी की जिंदगी जीते हो क्या फायदा? इसलिए थोड़ी मॉरल वैल्यूज भी हमें रखनी चाहिए इस प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन ये नहीं भी जो कागज लेके आया उसको कचहरी में डाल दो, कुछ ना कुछ तो देखो जी। सैर करने जाते हो तो आपको कोई शब्द मिल जाते हैं शायरी के? मिल जाते हैं। आप यहाँ बाहर लॉन में ही चक्कर काट रहे होते हो? ये लॉन है, ये मेरी खिड़की से, खिड़की से ही लॉन, बहुत सुंदर लॉन है, रोड साइड लॉन है, कर्टन्स हैं। और ये तो ये सर जो है सर यहीं यहाँ सैर करते हैं, यहाँ से कोई मिल जाता है वेव कर देते हो तो भी मिल जाता है, कभी कभार इस पे रॉन्ग नंबर आते हैं? हाँ रॉन्ग नंबर भी आ जाते हैं। कहाँ कहाँ के फोन आते हैं यहाँ पे? नहीं वो रॉन्ग नंबर तो वो पूछता है जी कौन बोल रहा है, अपना आप
बताते हो तो काट देते हैं अभी सॉरी कह के। कभी ऐसा है आपने किया कि किसी ने आपको फोन किया और आपने कहा रुक तेरा फोन आया, एक शायरी सुनाता हूँ? नहीं, किया। ये बड़ा अच्छा सीन है। ना तो ऐसे कोई सुनता है तो ना सुनाता। नहीं नहीं, कभी आपने बार ये हो जाता है, अभी वो पूछ लेता है कोई बात, उससे बात आप करते क्या हो तो हो जाती है, तो फिर वो कहता जी चलो रॉन्ग नंबर था, आप बात करने में अच्छा लगा। हाँ। तो वैसे तो हो जाता है, मगर ये शायरी वगैरह तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक चीजें होती है। हर बंदे को सुनाई नहीं जा सकती, ना हर बंदा सुनता है। सर मैंने एक चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की है कि शायरी में ना लिखने वाले की जितनी अहमियत होती है उतनी ही अहमियत सुनने वाले की होती है और पढ़ने वाले की होती है। मैं हमेशा सर से कहता था कि अगर मैं शायरी को पढ़ूं तो मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा, अपने एक तरीके से पढ़ूंगा, पर अगर मैं उसको सुनूंगा तो शायरी के लेखक को पता है कि किस लाइन को दो तीन बार दोहराना है, किस कहाँ पॉज देना है, कहाँ वजन देना है, वजन देना है। हाँ, तो शायरी सुनने का जो अनुभव है ना, जो मुशायरे भी होते हैं या जो शायरी जो नरेशन होती हैं, वो एक मैं कह रहा हूँ अनुभव मुझे लगता है उसे करना ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने तक तो खैर हर जगह हम नहीं जा सकते, बट वो जो सुनने का जो अनुभव है, जिस तरीके से आपने शायरी सुनाई है शायद मैं इस तरीके से पढ़ ना पाता। इसके बारे में आपको क्या लगता है? जो पोइट्री है, जो शायरी है, उसकी जो रियल वर्थ है वो पोइट के सामने जो सुन रहा होता है वो नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत बहुत बार ये होता है, मैं तो कोशिश करता हूँ बीच में कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है या बड़ा टिपिकल वर्ड आता है तो मैं उसकी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका पता ही नहीं होता। हाँ जी। अगर आप एक उस वर्ड को नहीं समझते तो आप पोइट्री को नहीं समझते। हाँ जी। जैसे मैंने आपको एतबार वाली पोइट्री सुनाई। हाँ जी। तो उसमें मैंने आपको मुंतजर का वर्ड समझाया। हाँ जी। अगर मैं मुंतजर का वर्ड नहीं समझाऊंगा तो आप पोइट्री को नहीं समझ पाऊंगे कि मुंतजर क्या था, क्या रेफरेंस क्या है, मुंतजर चल बसा इंतजार रहा, इसका रेफरेंस क्या है। सो इसलिए मैंने जो ये अपने सामने बंदे बैठे होते हैं, पोइट्री आप सुनाते हो, तो मैंने एक गजल लिखी थी मेरे साज जी, तो उसमें एक शेर आता है जी कि मेरे सामने मेरे सामीन से मेरी औकात मत पूछो, सामीन होते हैं सुनने वाले जी, मेरे सामने मेरे सामीन से मेरी औकात मत पूछो जी, पूछना मेरे मुतल्लिक विचारा मेरे गुजरने के बाद, पूछना मेरे मुतल्लिक विचारा मेरे गुजरने के बाद। उसमें ये गजल थी कि जब मैं मेरी सारी बेसिक एजुकेशन चंडीगढ़ में थी जी, मगर फॉर सर्टेन रीजंस मेरे को लॉ के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, अमृतसर तो आपको वापस आप अमृतसर गए। हाँ, मेरे को जाना पड़ा। हाँ। तो मैं मेरा एक ड्राइंग बोर्ड पे शीट लगी होती थी, रंग बिखरे होते थे, तो मैं पेंटिंग्स करता रहता था, जहाँ मैं म्यूजिक बजाता था जी, माउथ ऑर्गन बजाता था, भाई मेरा था वो साथ हारमोनियम बजाता था, एक छोटी छोटी महफिलें लगती थी, दोस्त बहुत थे। तो मेरे को लगा भाई जब मैं इस शहर से जा रहा हूँ दो तीन साल के लिए, तो ये मेरे जो सारे दोस्त हैं, मेरे जो माउथ ऑर्गन है, मेरा जो ये सारा सिलसिला है जी, ये तो मेरे से खामोश हो जाएंगे जी। इसलिए मैंने लिखा कि चुप रहेंगे मेरे साज मेरे गुजरने के बाद, जब मैं अमृतसर चला जाऊंगा ये सब चीजें खामोश हो जाएंगी, जो महफिलें लगती थी, महफिलें मैं महफिलों की रौनक होता था, चुप रहेंगे मेरे साज मेरे गुजरने के बाद, पूछो ना हशरे तारा मेरे गुजरने के बाद, बजेंगे फिर भी, बजेंगे फिर भी मगर कुछ खामोश से होकर, बजेंगे फिर भी मगर कुछ खामोश से होकर,
बन के नगमाए मजारा मेरे गुजरने के बाद, ये शमशानों के गीत बन के मेरे बाद बजेंगे, ये उस महफिल उस तरह की महफिलों में नहीं बजेंगे। मुझसे बिछड़ के अपने दोस्तों को कहा कि मुझसे बिछड़ के शायद इन्हें कुछ संवरने की उम्मीद हो, मगर उठाएगा ना कोई मुश्ते गुबारा मेरे गुजरने के बाद, कि इनके ऊपर जो डस्ट पड़ जाएगी उसको कोई यूं भी मुट्ठी डस्ट नहीं उठाएगा, नहीं इनके ऊपर से जो इनके ऊपर मुसीबतें आएंगी वो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, मैं ही साथ कर रहा था। मुझसे बिछुड़ के शायद इन्हें संवरने की उम्मीद हो, उठाएगा ना कोई मुश्ते गुबारा मेरे गुजरने के बाद, इनकी सुरे ना बदलने पाएंगी कभी अपने लम्हे। जैसे ये चल रहे हैं मेरे दोस्त जी, वैसे ही चले, इनकी सुरे ना कभी बदलने पाएंगी अपने लम्हे, लाख बदलो चाहे रागा मेरे गुजरने के बाद, वाह वाह की दीवारों पे बांधते हैं जो तारीफ शत, जो मेरी इतनी शान बना रहे थे, वाह 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 करते थे पोइट्री में, वाह वाह की दीवारों पे बांधते हैं जो तारीफ शत, खुद ही गिराएंगे वो दीवारा मेरे गुजरने के बाद, मेरे पीछे से वो दीवारों को गिरा देंगे, मेरे सामने मेरे सामीन से मेरी औकात मत पूछो, मेरे सामने मेरे सामीन से मेरी औकात मत पूछो, पूछना मेरे मुतल्लिक बेचारा मेरे गुजरने के बाद, आज खुश हैं तो कल भी उदास नहीं होने वाले, आज खुश हैं तो कल भी उदास नहीं होने वाले, मगर चमकेंगे बन के हिजरे बहारा मेरे गुजरने के बाद, चुप रहेंगे मेरे साज मेरे गुजरने के बाद। ये मैं 1977 में जब लॉ करने के लिए अमृतसर गया था, 41 साल हो गए इसको, इस बात का 41 साल, ये तब लिखी आपने, 41 years guys, 41 years पहले लिखी सर ने। सर ये बिल्कुल ही मेन रोड के साथ है, मतलब सारी गाड़ियां डीजे बुलेट सारी आवाज आएंगी। अभी आपको लगता है कि आप लिखते हो तो कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हो? नहीं होते बिल्कुल ही, आप बिल्कुल अपने, बल्कि मैं समझता, आपने ये कहा वो अमृतसर में हमारा घर था तो रेलवे लाइन के साथ ही होता था जी, बट ट्रेनें आती रहती थी, वो घर कांपते होते थे थोड़े बहुते, मगर अगर वो घर कांपे ना तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि इतने यूज्ड टू हो जाते हैं बंदे, और लोगों का अलार्म सिस्टम जो था तो वो ट्रेनें ही थी, हाँ कि इतने बजे की ट्रेन, इतने बजे की ट्रेन निकल गई। सो भी इन सभी में से मैंने कहा जब सांस की बात चल रही है तो मैं आपको कोई सांस पे भी सुनाऊं जी, मैं कोशिश करता हूँ कि शायद आपको अच्छा लगेगा। Thank you.
सर आपका कॉन्सर्ट होना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी बात करके ऐसा नहीं लगा कि सर, मतलब सर बैलेंस वर्ड मुझे यूज भी नहीं करना चाहिए। आप शायरी कर लेते हो, आप माउथ ऑर्गन बजा लेते हो, आप लिटरेचर इतना पढ़ते हो, शिव कुमार बटालवी आपने इतने पढ़े हुए हैं। शिव बटालवी मैंने इतने नहीं पढ़े। हाँ, मैंने शिव बटालवी का कोई वर्ड नहीं है जो नहीं सुना या नहीं पढ़ा। हाँ मतलब मैंने शिव बटालवी को तो रिलीजियस ग्रंथ पढ़ते जी, हैं। जी, मैंने उस अंदाज से पढ़ा शिव बटालवी। और ये इतनी बुक्स हैं, मतलब और ये भी इम्पोर्टेड है ये? नहीं, आज चाइनीज होते हैं जी। नहीं पर आज के टाइम का नहीं है ये काफी पुराना है। कितना होगा? 15 साल पुराना होगा। 15 साल। इसमें लिखा है कि ये शंघाई से आया हुआ है। आप चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफी? जैसे दुनिया में मेरी कोई भी खाने पीने की चीज जो है वो फेवरेट नहीं है। नहीं है मेरे को। कई बार लंच में कर लेता हूँ, जब डोमेस्टिक हेल्प मेरे को, वाइफ मेरी बाहर थी दिल्ली में 3-4 साल पोस्टेड थी, शी इज ए वर्किंग लेडी, तो वो मेरे को दोपहर के बाद कई बार वहां से पूछती थी भी आज क्या खाया, तो मेरे को 2-4 मिनट सोचने में लग जाते थे भी आज मैंने क्या खाया। मैं सिंपली आई एम ईटिंग एंड एंजॉयिंग, आई डोंट कंसीडर व्हाट आई एम ईटिंग। ये मेरे साथ भी होता है। किसी ने मुझसे पूछा ना आपने आज दोपहर को क्या खाया या आज सुबह क्या खाया, मैं थोड़ी देर सोचता हूँ मैंने क्या खाया। ऐसा क्यों होता सर? क्योंकि ये फूड की वैल्यू जानते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द चॉइस ऑफ फूड। मेरे को इतनी लाइनें मिली है ना आज के शो में इतनी लाइनें मिली है ना सर। सर ये बहुत अच्छी रही बातचीत जी। ये हमारे पार्टनर्स की तरफ से कुछ आपके लिए तोहफे हैं। दिस इज फ्रॉम एरोमा मस्क। ये हमारे पार्टनर्स की तरफ से जी। सर ये हैम्पर्स हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच जी। और ये हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं एलेस्टोज, इनकी तरफ से भी आपके लिए हैम्पर है सर। भाई थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों ने प्रोग्राम को इतना अच्छा सपोर्ट किया है। और सर ये आप उधर रखें अपने पास, ये नहीं तो मैं ले जाऊंगा तो मान मेरे साथ चला जाएगा। ऐसे नहीं मैं जाने देता, वकीलों के दफ्तरों से थोड़ी चीजें चुराई जाती। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा लगा सर। मुझे लगता है कि RFE Unplugged जो हमारा प्रोग्राम है, इसकी ये एक मतलब खास बात है जब भी ये प्रोग्राम प्लान किया कि ये बातें जो हैं ये हमारी ख़त्म ही नहीं होती हैं। मुझे लगता है हम इतनी देर बैठेंगे और सर बुक खोलेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, फिर हमारा खाना पीना शुरू हो जाएगा, हम उसके बाद फिर अपनी डिस्कशंस करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। बातें आपने कहा बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो वो मेरे को याद आया, बात करता तो है, बात करता तो है मगर वो बात नहीं करता। बात करता तो है मगर वो बात नहीं करता, उसे देखे बिना अब दिल नहीं भरता। बात करता तो है मगर वो बात नहीं करता, उसे देखे बिना अब दिल नहीं भरता। आगे भी है गजल है जी, उसमें से एक शेर सुनाया आपको। तो मैं उसमें ये है भी, जहाँ तक बड़ी सिंपल जिंदगी काटी है जी और अच्छी गुजरी है। मैंने अपनी, हम इससे पहले कि ख़त्म करें, मैंने अपनी वाइफ के, जब हमारी सिल्वर जुबली थी जी, तो मैंने अपनी वाइफ के ऊपर एक गजल लिखी थी जी। उसके ज्यादा तो नहीं मैं सुना पाऊंगा मगर उसका मेन शेर था कि जो भी गुजरी तेरे पहलू में खुशगवार गुजरी।
जो भी गुजरी तेरे पहलू में, खुशगवार गुजरी मेरी खिजाएं भी बनके बहार गुजरी। वाह, मेरी खिजाएं भी बनके बहार गुजरी, वो लंबी गजल है जी। फिर आपको कभी दोबारा चांस मिला तो जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल, और बाकी हम 25th जुबली की अलग से वीडियो देख सकते हैं, उसमें शायद ये हमें मिल जाए। मिल जाएगी, बट एसेंस हम समझ गए सर। आई मीन कुछ इमोशन इतने पर्सनल होते हैं कि उन्हें, मतलब उसको जिसके लिए इजहार किया गया वो समझ जाए तो उससे अच्छी खूबसूरत बात नहीं कोई हो सकती। वाइफ मेरी की ट्रांसफर हुई दिल्ली जी, सडनली उसे जाना पड़ा। शताब्दी से वो गई सुबह 6:53 पे शताब्दी चलती थी। मैं छोड़ने गया, एक सिस्टम था जैसे ही बिस्तर से उठ के जाना, बिस्तर थोड़ा सा बिखरा रहना जी, साइड लैंप जलता रहना, छोड़ के जाता था। और मैं उसको छोड़ के आने के बाद स्टेट वे दरवाजा खोल के अपने बेडरूम तक आता था और फिर उस कमरे को देखता था और मेरे को हमेशा कमी महसूस होती थी। तो वो मैं जब उसे, मेरे को पता था अब 2-4 साल के लिए इसे वहां रहना होगा, तो मैं जब आया तो कमरे में गुजरा, कमरे के अंदर गया तो मेरे को एक बड़ा कमरे में खालीपन सा नजर आया। और मैंने 2 लाइनें लिखी जिसमें मैंने उसकी तन्हाई को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बाद तेरे घर में तन्हाई मिली, बाद तेरे घर में तन्हाई मिली, ताजुब हुआ कि कोई तीसरा भी रहता था। तन्हाई, ताजुब हुआ कि कोई तीसरा भी रहता था। वाह। सो मैं फिर उसको उसके आने तक कोई ना कोई गजल लिख के रखता, उसको सुनाता। एक बड़ी, कब सुनाते थे? वापसी में जब लेने जाते थे, लेने जाता था तो रास्ते में। वाह क्या बात है, मतलब ये रास्ते में मैं उसे कभी भी कैब से नहीं आने दिया, मैं उसे लेने जाता था रेलवे स्टेशन लेने जाता था हर फ्राइडे रात को, हर फ्राइडे को, और मंडे सुबह छोड़ने जाना। तो शायरी सुबह सुनाते थे जाते हुए की वापसी में? वापसी में। क्या बात है। तो जब वो मेरे को कहती थी भी मैं कैब से आ जाऊंगी, क्योंकि मैं 8 बजे चला जाता था वहाँ जी, नहीं तो पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी जी। मैं नियरेस्ट जगह पे गाड़ी लगाता था जहाँ उसको ज्यादा चलना ना पड़े जी। तो मेरी सोच थी भी अगर तो आप कैब से भी आ सकती हो, मगर जब आपकी गाड़ी 8:35 पे प्लेटफॉर्म पे उतरेगी, आप मेरे को वहां प्लेटफॉर्म पे देखोगी, आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। आपकी जर्नी 8:35 पे खत्म हो जाएगी जब आप मेरे को मिलोगी। अगर आप कैब से आओगी, कैब 1.25 घंटा घर में आने के लिए लेगी, तो आपकी जर्नी जो है 1.25 घंटा 45 मिनट्स एक्सटेंड हो जाएगी जी। व्हाई आई शुड एक्सटेंड योर जर्नी। और मेरे को एक खुदा ने पेशेंस इतनी दी है, एक बार स्टॉर्म आ गई तो वहां लाइनें खराब हो गई, तो जो 8:40, 35:40 पे गाड़ी आती थी उस दिन वो गाड़ी 9:30 ना, वो उस दिन वो गाड़ी 11:40 पे आई। ओके। मेरे पास तो मोबाइल नहीं, वो मेरे को बता नहीं सकती कि मैं कहाँ हूँ, कैसे है, कब गाड़ी आएगी। सो मैं भी एक डीट नेचर का आदमी, भी गाड़ी आनी तो है ही है, 8 नहीं 9 नहीं 10 बजे आ जाएगी, 11 बजे आ जाएगी, 12 बजे आएगी, गाड़ी तो आएगी, जो चली हुई है वो पहुंचेगी। तो 11:40 पे मैंने उतनी देर में वहां से रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी किताब ले ली बस मुझे उसको पढ़ना शुरू किया। थोड़ी भूख ने भी दस्तक दी, तो मैं पैटी ली, एक चाय का कप लिया, पानी की बोतल ले ली, पी लिया। मगर जब 11:40 पे उसके साथ कुछ उसके ऑफिस के लोग आते थे जी, तो वो लोग जो थे वो
सोच रहे थे भी हम चलो तेरे को छोड़ देंगे, रात लेट हो गए हैं, 11:40-12 बज रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे, अकेली लेडी कहाँ आएगी। बट शी वॉज कॉन्फिडेंट कि ही विल बी देयर। तो जब 11:40 पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई तो आई वॉज एज फ्रेश एज आई यूज टू बी। तो मेरे को उसे बहुत अच्छा लगा भी मैं 3 घंटे वहाँ रेलवे स्टेशन पे 3.5 घंटे उसकी इंतज़ार करता रहा, क्योंकि लोग तो वापस चले गए थे भाई 11 बजे गाड़ी आएगी। तो मैंने प्रेफर किया भी मैं काहे को जाना, हम दो ही लोग होते थे घर में, तो मैं फिर वहीं पे रेलवे स्टेशन पे उसकी इंतज़ार कर ली, क्योंकि इंतज़ार तो इंतज़ार थी, इंतज़ार भी आ गए। हाँ कितना अच्छा, मतलब ये हमने इंतज़ार से शुरू किया, इंतज़ार पे किया। और दर्शकों को अगले एपिसोड का और जतिन सर के दोबारा आने का और हमें आपकी आने वाली किताब का इंतज़ार रहेगा सर। शुक्रिया, मैं किताब आपको जरूर दूंगा जी। बाकी मेरे ख्याल से आपके दर्शकों की शुभकामनाओं से मेरी किताब ठीक चलेगी। चलेगी नहीं, दौड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि उसमें बड़ी एक ओल्ड टाइम पोइट्री है जी। और पोइट्री बेस्ड ऑन इंतज़ार है और ठहराव है उसमें, उसमें ठहराव है। सो फूडी मेरी जो किताब है वो 1-2 महीने में मार्केट में होगी जी। और मेरी सारी जो पोइट्री है ये पोइट्री राइम के ऊपर है, मीटर है इसमें, और ये सारी गाई जा सकती है। वाह, ये सारी गजलें हैं और मेरे को यकीन है भाई इनमें से कोई ना कोई गजलें जरूर मार्केट में गाई जाएगी। हमें बेहद इंतज़ार है सर, बेहद इंतज़ार है। आज का जो एपिसोड है वो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ख़त्म हुआ है, बल्कि हमें जतिन सर के साथ अगले एपिसोड का इंतज़ार है, इंतज़ार रहेगा। आप जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए RFE Unplugged रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं जतिन सलमान सर, और आप हमें देख रहे हैं रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पर। कीप वॉचिंग। आप देख रहे हैं RFE Unplugged रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे।